मानिए बाबा बालकनाथ जी की दिव्य शक्तियां और उनके धाम की कहानी। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पीच। हिमाचल प्रदेश में अनेकों धर्म स्थल प्रतिष्ठित हैं, जिसमें बाबा बालकनाथ धाम दियोट सिद्ध उत्तरी भारत में एक दिव्य सिद्ध पीठ है। यह पीठ हमीरपुर से 45 किलोमीटर दूर दियोट सिद्ध नामक सुरम्य पहाड़ी पर है। इसका प्रबंध हिमाचल सरकार के अधीन है। हमारे देश में अनेक देवी देवताओं के अलावा 9 नाथ और 84 सिद्ध भी हुए हैं, जो सहस्त्रों वर्षों तक जीवित रहते हैं और आज भी अपने सूक्ष्म रूप में वे लोक में विचरण करते हैं। भागवत पुराण के 6 स्कंद के 7वें अध्याय में वर्णन मिलता है कि देवराज इंद्र की सेवा में जहाँ देवगण और अन्य सहायक गण थे, वहीं सिद्ध भी शामिल थे। नाथों में गुरु गोरखनाथ का नाम आता है। इस प्रकार 84 सिद्धों में बाबा बालकनाथ जी का नाम विशेष रूप से आता है। देखिए, बाबा बालकनाथ जी के बारे में प्रसिद्ध है कि इनका जन्म युगों युगों में होता रहा है। प्राचीन मान्यता के अनुसार बाबा बालकनाथ जी को भगवान शिव का अंश या अवतार ही माना जाता है। श्रद्धालुओं में ऐसी धारणा है कि बाबा बालकनाथ जी 3 वर्ष की अल्पायु में ही अपना घर छोड़कर 4 धाम की यात्रा करते करते शातलाई यानी कि जिला बिलासपुर नामक स्थान पर पहुँच गए थे। वही शातलाई में ही वह रहने लगे और वहाँ रहने वाली माई रतनी नामक माई जो कि एक महिला थी, उनके साथ रहने लगी। उनकी कोई संतान नहीं, इन्हें अपने धर्म का उन्होंने पुत्र बनाया। बाबा जी ने 12 वर्ष की आयु में रत्नों की गैया चराई। एक दिन माता रत्नों ने ताना मारने पर बाबा जी से चमत्कार से 12 वर्ष की रस्सी व रोटियां एक पल में लौटा दी। इस घटना की जब जब आसपास के क्षेत्र में चर्चा हुई तो ऋषि मुनि व अन्य लोग बाबा जी की चमत्कारी शक्ति से बड़े प्रभावित हुए। गुरु गोरखनाथ जी को जब से ज्ञात हुआ कि एक बालक बहुत ही चमत्कारी शक्ति वाला है, तो उन्होंने बाबा बालकनाथ जी को अपना चेला बनाना चाहा। परंतु बाबा जी के अहंकार करने पर गोरखनाथ जी बहुत ही क्रोधित हुए। जब गोरखनाथ ने उन्हें जबरदस्ती चेला बनाना चाहा, तो बाबा जी शातलाई से उड़ारी मारकर धौलागिरी पर्वत पर पहुंच गए, जहां आजकल बाबा जी की पवित्र सुंदर गुफा है। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही अखंड धूना सबको आकर्षित करता है। ये धूना बाबा बालकनाथ जी का तेज स्थल होने के कारण भक्तों की असीम श्रद्धा का केंद्र है। वहीं धूने के पास ही बाबा जी का पुरातन चिमटा भी देखने को मिलता है। इसी के साथ बाबा जी की गुफा के सामने ही एक बहुत सुंदर गैलरी का निर्माण किया गया है, जहाँ से महिलाएं बाबा जी की सुंदर गुफा में प्रतिष्ठित मूर्ति के दर्शन करती हैं। सेवक जन बाबा जी की गुफा पर रोट का प्रसाद चढ़ाते हैं। बताया जाता है कि जब बाबा जी की गुफा में अलोप हुए थे, तो यहाँ दियोट यानी कि दीपक जलता रहता है, जिसकी रोशनी रात्रि में दूर दूर तक जाती थी। इसीलिए लोग बाबा जी को दियोट सिद्ध के नाम से भी जानने लगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। तब तक के लिए